हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लास में। बिहार विधान परिषद सचिवालय में फ्रेंड्स जो वैकेंसी आई थी 2019 के लिए, तो उसमें जो है अभी इंटरव्यू वगैरह पेंडिंग में था, तो उसी को यहां पर अपडेट लेके आ चुका हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए। तो जो लोग फॉर्म भरे हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय में, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग नहीं भरे हैं तो आप छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि आपके काम की जानकारी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं कि क्या है अपडेट, जो कि बिल्कुल आज का अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट 3 जनवरी 2020 का, जो कि इंटरव्यू का आया है नोटिफिकेशन कि आप लोग का इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो जो फॉर्म भरे हैं वो तो जरूर देखें, क्योंकि ये ऑफिशियल जो डेट है वो हो चुका है रिलीज़ कि कब आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो किस पोस्ट के लिए होने वाला है, कौन कौन से पद के लिए वैकेंसी आई थी, चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि अगर उनका भी इंटरव्यू है तो वो भी जान सके कि आया है अपडेट। और आप चाहते हैं कि बिहार के रिगार्डिंग में या झारखंड के रिगार्डिंग में कोई भी अपडेट, जॉब्स का अपडेट या वैकेंसी का अपडेट या कुछ भी हो, तो आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो जैसे ही कोई अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको बिहार विधान परिषद का जो आया है इंटरव्यू का नया अपडेट। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा नोटिफिकेशन, तो मैंने यहाँ पर लिया है पेपर से, ठीक है। आज जितने भी पेपर हैं सब पेपर आपको ये मिल जाएगा नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ पर बिहार विधान परिषद सचिवालय आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या जो था 5/2019 चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु, जो चालक के पद पर भर्ती निकली थी बिहार विधान परिषद सचिवालय में, उसी का ये अपडेट है। यहाँ पर क्या अपडेट है चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट नंबर 1 है कि बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत चालक संवर्ग में चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 3/12/19 से 6/12/19 तक अभ्यर्थियों के वाहन चालन लाइसेंस के जांच उपरांत वैध लाइसेंस पाए गए अभ्यर्थियों की सूची बिहार विधान परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है, ठीक है। 3 दिसंबर 2019 से 6 दिसंबर 2019 तक जो आप लोग का जो लाइसेंस वगैरह था गाड़ी का, तो उसका जाँच हुआ, उसके बाद जो भी वैध पाया गया, वैलिड पाया गया, उन अभ्यर्थियों का नाम वेबसाइट पर दिया गया है और आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर 2 है कि जांच में वैध लाइसेंस पाए गए अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम जो है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है, जो कि मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ इस वीडियो में। और जो इंटरव्यू में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का जो है चालन कौशल यानी कि आपको ड्राइविंग टेस्ट होगा कि चलाने जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आपको तो सर्टिफिकेट वगैरह तो वेरिफिकेशन हो गया कि ठीक है आपका सब कुछ ठीक है, लाइसेंस वगैरह ठीक है, लेकिन आप चेक करेंगे कि आपको चलाने आता है कि नहीं आता है। और जो ट्रेड जांच होगा यानी उसके एग्ज़ाम जो होगा, परीक्षा ली जाएगी, जैसे कि आपको वैकेंसी जब भरे थे उस समय बोला गया था कि आपको ट्रेड जाँच और जो ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, तो दोनों लिया जाएगा। तो वो कब बहुत आगे देखते हैं, वैध लाइसेंस पाए गए अभ्यर्थियों का जो इंटरव्यू है, जिन लोगों का नाम आ चुका है वेबसाइट पर आप लोग देखे होंगे, तो उनका इंटरव्यू का जो डेट है वो आपको 9 जनवरी 2020 से 12 जनवरी 2020 तक अलग अलग बैच में बिहार विधान परिषद परिसर में ही आयोजित होगा, और संबंधित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की सूचना आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर और ईमेल पर प्रेषित कर दी गई है। यानी आप लोग जो फॉर्म भरे थे उस समय जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिए थे, तो आप लोग को बाय ईमेल आईडी के या आपको जो मैसेज है वो आपको फ़ोन नंबर पर भेज दिया गया है, आप लोग देखे होंगे। फिर भी जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार यानी कि बिहार सरकार ने ये जारी किया गया है विज्ञप्ति, ताकि जिनको भी अगर किसी कारणवश मेल नहीं मिल पाया या मैसेज नहीं मिल पाया फ़ोन पे, अगर उनको पता नहीं चला तो वो जान सके, इसीलिए यहाँ पर जारी किया गया है। तो जिनका भी नाम था वेबसाइट पर, जिनका जांच हो चुका है, नाम आ चुका है वेबसाइट पर, तो वो 9 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक अलग अलग बैच में अपना, आप देख लीजिए बैच का टाइमिंग कब है, 9 से 12 तक आप लोगों का इंटरव्यू होने वाला है, तो आप लोग अपना चेक कर लीजिए डेट टाइम और बैच। और आपको जगह तो यहीं पर दिया गया है, बिहार विधान परिषद परिसर में ही आयोजित किया जाएगा, ठीक है। यानी देखिए साफ साफ लिख दिया गया है पॉइंट नंबर 4 में कि इंटरव्यू हेतु अलग से प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा, और अभ्यर्थियों को पूर्व में ड्राइविंग लाइसेंस जांच हेतु जो आपको दिया गया था एडमिट कार्ड वही मान्य होगा, ठीक है। तो जो आप लोग का पहले वाला एडमिट कार्ड है वही वैलिड है, वही लेकर आपको जाना है, अलग से कोई भी इसके लिए स्पेशल नहीं होगा। और यानी देखिए साफ लिख दिया गया है कि अभ्यर्थियों को डाक से यानी कि बाय पोस्ट इसकी सूचना निर्गत नहीं की जाएगी, साफ साफ लिख दिया गया है। और आप विस्तृत जानकारी हेतु जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार विधान परिषद .gov.in पर जाके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग को फ्रेंड्स सही देना था अपडेट कि 9 जनवरी से 12 जनवरी तक आप लोग को यहां पर होना है इंटरव्यू चालक के पद पर, आप लोग का ड्राइविंग टेस्ट भी होगा और आप लोग को
ट्रेड जांच भी होगा। तो फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग फॉर्म भर रहे हैं वहाँ तक वीडियो पहुँच सके और वो आसानी से अपना इंटरव्यू में शामिल हो सके अपना बैच का टाइम देखकर। आप लोग जाइए अपना चेक कीजिए वेबसाइट पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही अपडेट आप लोग को देना था। और भी अपडेट पाने के लिए बिहार झारखंड का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।